आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लेडी ने कमेंट डाले हमारे एक वीडियो में, उसको जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में, तो चलो आज वो चर्चा करते हैं। इनका ऐसा है कि ये करीब करीब 35 साल की लेडी है और पिछले एक साल से करीब करीब एक साल से उसको ये सिम्टम्स हैं, तकलीफ है, और उसमें उसको बार बार हाथ धोना, फिर अन्न का पचन नहीं होना, उल्टी होना, उसने पूरा लिख के मेरे को भेजा हुआ है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, उल्टी होना, फिर संडास बार बार जाना, वोट साफ नहीं होना, फिर बास कोई सहन नहीं होना, कोई बास मतलब अनाज का भी उसको स्वाद है वो सहन नहीं होता है, और हरदम वो तनाव में रहती है। खाना खाने की इच्छा नहीं, भूख कम लगती है और इच्छा भी नहीं है, और बार बार उसको पेट की तरफ ख्याल जाते रहता है कि पेट में गड़गड़ होते रहता है, पेट में कुछ तो भी आवाज आएंगी, मन में विचार आते रहते हैं, कोई भी ऐसे अनपन उटपटांग विचार आते रहते हैं, नींद नहीं आती, दिमाग के ऊपर तनाव, टेंशन, फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा करके बाहर नहीं निकलना, कहीं आना जाना नहीं, और इस तरह से उसका मतलब सब सिम्टम प्रोफाइल है। ये पूछा तो भाई कम से कम एक साल से और अभी 3 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया। उनको पूछा भाई आपने दवाई क्या लिया, तो बोले वैसे दवाई मैंने लिया था और दवाई लेके वो थोड़ा बहुत मतलब फ़र्क भी हो गया था, दवाई लेके जितना चाहिए उतना नहीं, मतलब काफ़ी दवाई लिया था, अलग जगह लिया, और उसका ये चालू हो गया, वो जो प्लैंचेट करते ना प्लैंचेट, तो प्लैंचेट करने का पता नहीं अब सब जगह होता कि नहीं होता, हमारे इलाके में होता है। वो प्लैंचेट में क्या करते हैं कि ऐसे फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर कटोरी रखते उल्टी, उसके ऊपर उंगलियां रखते हैं, और वो जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब लिखे हुए कुछ, और वो जवाब लिखे जो है वो जो कटोरी है वो सेंटर में रखते हैं, और उसमें वो हम आत्मा को बुलाते हैं, और आत्मा बुलाना और वहाँ से आत्मा बुला के उसके ऊपर उंगली रखना, और वो जो कटोरी है वो आप ही आप घूमना चालू हो जाती है, वो ऑटोमेटिक घूमना चालू हो जाती है, वो घूमती रहती है, और जो जवाब देंगी वो आत्मा ने जवाब दिया ऐसा बोले जाता है। अब ये सब मानने के ऊपर है, लोग मानते हैं, इसके ऊपर अंधश्रद्धा है, और इसमें वो लोग झुंझ जाते हैं, उसमें बीमार पड़ते हैं। जैसा अभी ये लेडी का, उन्होंने बताया कि भाई वो जो छोटी थी तो उन्होंने ये किया था ऐसा प्लैंचेट में आत्मा आया था, और आत्मा ने ऐसा बताया कि तेरा बहुत बुरा होने वाला है, तू पेट के बीमारी से बहुत तड़पने वाली है, और तेरा तो पेट की बीमारी होंगी, और पेट की बीमारी से तू अच्छा जीना नहीं जी सकोगी, ऐसा उसको बोला। तो फिर उसको लगा है क्या है, उसको तो भूल भी गई, और बाद में ये जब चालू हो गया तो बोले एक साल से ये तकलीफ चालू हो गई। बोला तो आप कैसे रिलेट करते हैं, नहीं बोले मुझे बचपन से फिर थोड़ा थोड़ा कभी कभी पेट का चालू था दर्द, मगर कभी मैंने ख्याल नहीं दिया। 10 साल पहले मैंने कोई डॉक्टर का इलाज किया था, थोड़ा अच्छा भी लगा, बाद में फिर छोड़ दिया, फिर मैंने अभी कुछ डॉक्टरों का इलाज किया फिर छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पेट ठीक नहीं है, पेट मोटा हो गया है, पेट में गैस बहुत है, आवाज़ आती है, और फिर बार बार वही विचार आते रहते हैं। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और उसके वजह से हुआ हुआ ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बार बार उसको वही विचार आएंगे, उसको मालूम है कि ठीक है तभी विचार, वही विचार दिन भर मालूम है उसको, इरिलेवेंट थाट्स है, उसमें कोई पड़ा नहीं है, उसको लगता है कि नहीं मैंने जाना चाहिए, फिर आएंगे वापस, फिर जाएंगे लेटरिन को या यूरिन को, फिर आएंगी, ऐसा भी करती रहती है। तो इसके लिए फिर मैंने बोला कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और मेडिसिन लेके आप जब हिप्नोटिज्म करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे साथ में, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसने मेडिसिन लिया SSRIs, और उसको कोई एंटी डिप्रेशन जैसे क्लोमिपरामिन जैसी दवाई दिया उसके साथ साथ, और फिर हिप्नोथेरेपी है उससे, उसको बहुत अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। और हमारी ऐप है, वो ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं डॉक्टर केळकर या नाम से प्ले स्टोर से, उसमें अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके बारे में कुछ सवाल होगा तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ कॉल करके आपके प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।